आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीटियो 350 और क्लासिक 350 को, और दोनों में से कौन सी वाली बाइक आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या अंतर है दोनों गाड़ियों में वो बात करेंगे, और कौन सी वाली बाइक एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मतलब ज़्यादा पैसा वसूल है इसके बारे में बात करेंगे। अंत तक आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपको लास्ट में आपको एक बहुत बढ़िया शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, सो अंत तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो क्लासिक 350 का जो ये कलर है डार्क स्टील तो ब्लैक, इसका प्राइस आता है 265,000 रुपये, 265,000 रुपीज़। यहाँ पर अब मैं बात करूँ अगर मीटियोर 350 के बारे में, तो ये फायरबॉल वेरिएंट है, सबसे इकोनॉमिकल सबसे सस्ता वेरिएंट है मीटियोर 350 के अंदर। इसका प्राइस आता है लगभग 248,000 रुपये, 248,000 रुपीज़। तो दोनों बाइक्स में जो प्राइस है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है अंतर दोनों बाइक्स के प्राइस में। अब यहाँ पर दोनों में क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो है लुक में। क्लासिक 350 जो है एक डेली कम्यूटर रोज चलाने वाली गाड़ी जैसा लुक देती है, वहीं मीटियोर 350 जो है एक क्रूज़र बाइक, एक कंफर्टेबल लंबा चलाने वाली गाड़ी वाला लुक देती है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रंट के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर जो आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, ये कवर्ड देखने को मिलता है यहाँ पर, ताकि इसके अंदर डस्ट ना आ जाए। ओवरऑल यहाँ पर जो है आपको मीटियोर 350 के अंदर जो है आपको यहाँ पर नेकेड जो है आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं है। साथ में यहाँ पर बात कर लेते हैं तो हेडलाइट क्लस्टर के अंदर डिफरेंस है। इसके अंदर DRL कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, साथ में हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है और बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्लासिक 350 के बारे में, तो इसके अंदर पायरेट लैम्प जो है यहाँ पर आते हैं, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है और बल्ब इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो है फ्यूल टैंक के अंदर डिज़ाइन में डिफरेंस है। ये आपको बेसिक डिज़ाइन वाला फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 13 लीटर का। यहाँ पर आपको जो है टैंक पे ऊपर यहाँ पर टैंक पैड देखने को मिलता है, ताकि आपका जो नी है वो ढंग से ग्रिप कर सके बाइक के टैंक को। साथ में मीटियो 350 के अंदर पीनर डिज़ाइन वाला फ्यूल टैंक आता है कुछ इस प्रकार से। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है मीटियो 350 के अंदर, वहीं क्लासिक 350 के अंदर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसका फ्यूल कैप में डिफरेंस है, फ्यूल कैप जो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है क्लासिक 350 के अंदर। वहीं मैं मीटियो 350 के बारे में बात करूँ तो मीटियो 350 का जो है फ्यूल टैंक वो ऐसे उठ के खुलता है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर आपको की डाल के जो है इसको ओपन कर सकते हो। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग डिज़ाइन का आता है, एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, की होल एरिया यहाँ पर आता है कुछ इस प्रकार से। साथ में हैंडल बार पे आपको हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न इधर आई बटन देखने को मिलता है, ताकि इसके अंदर आप नेविगेट कर सको। किल स्विच इग्निशन स्विच आता है, हैजार्ड लाइट का ऑप्शन आता है, चार्जिंग पोर्ट आता है यहाँ पर USB टाइप ए वाला कुछ इस प्रकार से, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। साथ में क्लासिक 350 के अंदर जो है आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, की होल एरिया यहाँ पर आता है। इसमें भी आपको हैंडल बार पे हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर हॉर्न आई बटन देखने को मिलता है, राइट साइड में किल स्विच इग्निशन स्विच और हैजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों बाइक्स के जो है इंजन सेम आते हैं, 349cc का इंजन आता है दोनों ही बाइक्स के अंदर, 20 BHP पावर आउटपुट देता है और 27 Nm ऑफ टॉर्क देता है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना ही है कि मीटियोर 350 के अंदर आपको यहाँ पर मशीन कट देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है मशीन कट आपको नहीं देखने को मिलता है इंजन के ऊपर। साथ में यहाँ पर जो है बॉक्स आपको ओवल देखने को मिलता है यहाँ पर क्लासिक 350 के अंदर, वहीं मीटियो 350 के अंदर आपको काफ़ी डिसेंट पैनलिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पर जो है आपको बॉक्स नहीं देखने को मिलता है एज सच कोई बड़ा सा। बाकी यहाँ पर पैनलिंग आपको क्लासिक 50 कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है ट्राइंगल शेप में। सीट जो है स्प्लिट आती है, काफ़ी बढ़िया कम्फर्ट आता है। ओवरऑल डिज़ाइन जो है पीछे वाली सीट का अलग है यहाँ पर क्लासिक 350 और मीटियोर 350 में। यहाँ पर ये क्रूज़र बाइक है तो इसकी सीट हाइट जो है आपको कम देखने को मिलती है क्लासिक 350 से अगर मैं कंपेयर करूँ। ओवरऑल इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर अलग है क्लासिक 350 से यहाँ पर। बाकी रियर में जो सस्पेंशन सेटअप है उसमें भी आपको जो है डिज़ाइन में डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लासिक 350 में कुछ इस प्रकार से सस्पेंशन सेटअप आता है, वहीं मीटियोर 350 में जो है आपको कुछ इस डिज़ाइन का सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। दोनों ही बाइक्स में पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं 240 mm के बाइब्रेक कैलिपर के साथ, काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम है। जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलता है दोनों ही बाइक्स के अंदर। यहाँ पर जो डिज़ाइन में डिफरेंस है, पीछे की तरफ आपको ऐसे कर्व देखने को मिलता है, वहीं क्लासिक 350 के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर पीछे की तरफ बल्ब इंडिकेटर्स बल्ब टेल लाइट आती है, यहाँ पर टेल लाइट कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ आती है और बल्ब इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं मीटियो 350 के अंदर।
साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ तो रियर सेक्शन का थोड़ा अलग डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रूजर वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लासिक 350 में आपको जो पहले से क्लासिक 350 चलती आ रही है वैसा ही डिज़ाइन देखने को मिलता है पीछे की तरफ भी। ओवरऑल जो है बाइक दोनों साथ में खड़ी हुई कुछ इस प्रकार से लगती हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्लासिक 350 जो है यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, स्पोक व्हील वाले और अलॉय व्हील वाले, और मीटियो 50 जो है इसमें ज़्यादातर अलॉय व्हील वाले ही वेरियंट आते हैं। बाकी जो प्राइस है उसमें मैंने आपको अंतर बताया, 265,000 रुपये प्राइस है क्लासिक 50 का इस वाले वेरिएंट का, डार्क स्टील्थ ब्लैक। और यहाँ पर मैं बात करूँ मीटियो 50 फायर बॉल के बारे में तो 248,000 रुपये प्राइस आता है इसका, ऑन रोड 248,000 रुपीज़। बाकी यहाँ पर जो है लुक को जिस प्रकार से देखने को मिलता है बाइक्स का आपको, यहाँ पर अगर दोनों बाइक्स के और भी कलर्स में आपको दिखाऊँ तो वहाँ पर खड़े हैं और भी कलर्स, तो मीटियो 50 का जो है अरोरा ग्रीन यहाँ पर खड़ा है कुछ इस प्रकार से, सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। यहाँ पर एलईडी हेडलाइट क्लस्टर के साथ आता है ये। यहाँ पर आपको जो है स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं। क्लासिक 350 का ये जो कलर है इसे कहते हैं हेल्सियन ब्लैक, और ये जो वेरिएंट है ये सिंगल चैनल एबीएस वाला है। पीछे यहाँ पर जो है आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलता है। सो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है आपको हेल्सियन ब्लैक, और ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है मेरे हिसाब से क्लासिक 350 की पूरी लाइनअप में मैं बात करूँ। यहाँ से यहाँ पर क्लासिक 350 का हेल्सियन का एक और कलर खड़ा है जिसे हम कहते हैं हेल्सियन ग्रीन। जो ये वाला वेरिएंट है ये डुअल चैनल है, मतलब इसमें पीछे की तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, साथ में आगे की तरफ भी जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर मीटियो 50 का और कलर्स मैं आपको दिखाऊं तो मीटियो 50 में फायर बॉल में रेड कलर कुछ यहाँ पर खड़ा है, यह है सुपरनोवा सबसे महंगा कलर, टॉप ऑफ द लाइन कलर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, एलईडी हेडलाइट क्लस्टर के साथ आता है। साथ में यहाँ पर स्टेलर जो है कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, ये मिड वेरिएंट है मीटियो 50 के अंदर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अगर बाकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मीटियो 50 के अंदर एलईडी हेडलाइट, यहाँ पर विंडस्क्रीन आपको जो प्रॉपर है देखने को मिलती है, साथ में बैक रेस्ट देखने को मिलता है पीछे की तरफ, और बहुत ही बढ़िया आपको डुअल टोन कलर के अंदर बाइक देखने को मिलती है। बाकी क्लासिक 350 मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बाइक है अगर आपको डेली चलाने के लिए बाइक चाहिए, और अगर आप सिंगल अकेले ज़्यादा चलाते हैं। बाकी अगर आप क्लासिक सीरीज़ के फ़ैन हैं तो आप क्लासिक 350 के साथ जाओ। अगर आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए तो आप यहाँ पर जो है मीटियोर 350 के साथ जाओ, बिकॉज ये ज़्यादा कंफर्टेबल है क्लासिक 350 से अगर मैं कंपेयर करूँ। बट मुझे यहाँ पर क्लासिक 350 चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं सिटी में चलाता हूँ, बट अगर मैं कहीं लंबा टूरिंग, मतलब यहाँ पर अगर मैं 200 किलोमीटर चलाने के लिए कोई बाइक चूज़ करूँ तो वो मैं क्लासिक 350 की जगह यहाँ पर मीटियोर 50 करूँगा, बिकॉज ये ज़्यादा कम्फर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए, बिकॉज इसकी सीट हाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं, इसकी स्पेसिंग बहुत बढ़िया है सीट में, मतलब यहाँ पर जो स्पेस आती है सीट में वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है, और बैक रेस्ट की वजह से जो है कंफर्टेबिलिटी बहुत ऊपर चल जाती है इस बाइक की। बाकी आपको मीटियो 50 अच्छी लगी या फिर क्लासिक 350 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अपनी सारी बातें ज़रूर बता के जाइएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन बाय बाय।